टाइम न्यूज में, जैसे कि आप जानते हैं किसान आंदोलन का एक नया न्यूज आ रहा है, नई खबर आ रही है, और वो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी उसमें से एक मेंबर ने अपना इस्तीफा दिया, उस कमेटी से क्विट किया, और उनका नाम है भूपिंदर सिंह, जो खुद एक किसान बैकग्राउंड पंजाब से आते हैं और एक सिख समुदाय से आते हैं। उनका कहना है कि मैं खुद भी किसान हूँ और मेरी आत्मा ये अलाउ नहीं करी कि मैं किसान के खिलाफ कुछ भी काम करूं, और ये बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि इस कमेटी को झटका है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था कि ये कमेटी किसान आंदोलन के ऊपर रिपोर्ट तैयार करेगी और सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करेगी, तो इसमें एक बहुत बड़ा मतलब लिटरली ये बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ चुकी है। और उससे भी बड़ी बड़ा ऐलान एक किसान लीडर्स ने किया है कि 26 जनवरी को जो परेड होगा, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से परेड होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यानी किसान अपनी तरफ से परेड करने की मंशा बना लिया है, जिन्होंने पूरे पंजाब से, हरियाणा से और दूर दराज से बहुत बड़े काफिले के तौर पर ट्रैक्टर से वो आएंगे और भी ज़्यादा दिल्ली में एंटर करेंगे, और दिल्ली में आने के बाद 26 जनवरी को किसान अपने तरीके से परेड करना चाहता है, जिसकी अनुमति के लिए उन्होंने ऑलरेडी एक लेटर दिल्ली पुलिस को जमा किया है। और इसके अगेंस्ट दिल्ली पुलिस ने अपना एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट को दिया है, यानी दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है कि किसी तरीके का परेड हो। इवन उसने अपने लेटर में ये भी डाला है कि हो सकता है कि ये किसान आंदोलन कोई अलग रुख ले ले, यानी कहीं किसान आंदोलन के लोगों से और दिल्ली पुलिस से कुछ मुठभेड़, कुछ भिड़ंत जैसा माहौल बन जाए, कुछ टकराव जैसा माहौल बन जाए। तो एक तरह से दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम लोग सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ये सारा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। अभी देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है और क्या करती है, लेकिन जो लोग हैं जुड़े हुए किसान आंदोलन से, उनका भी यही कहना है कि अभी 40 दिन क्रॉस कर चुका है इस आंदोलन को, तो आगे भी हम लोग बदस्तूर अपनी खामोशी से, शांतिपूर्वक से इस आंदोलन को चलाना चाहते हैं और इस आंदोलन को कहीं से भी कलंकित करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ऐसा ना हो कि ये आंदोलन कलंकित हो जाए, इससे वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बहुत जगह तो वो खुद भी छोटी मोटी बातों को अपने अंदर दबा ले रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि ये दुनिया भर में जो इस आंदोलन का चर्चा हो रही है, ये आंदोलन को ऑपोजिशन वाले, यानी कि जो भी तंत्र है, यानी नॉन किसान है, वो किसी तरीके से भी इनको उकसाने का भी कहीं पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ जानते बूझते हुए ये लोग बचते बचाते 40 डेज को कंप्लीट किया है और आगे ये बदस्तूर शांति से ही अपने आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। जब तक कि सरकार अब तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ गया, क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर जब डिसीजन इतने टाइम तक, इतने लंबे अरसे तक नहीं दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में लिया है। अभी देखते हैं मंडे को डिसीजन आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है। फिलहाल तो स्टे की बात आ गई है, लेकिन ये जो दिल्ली पुलिस ने एप्लीकेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट को, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज मंडे को अपना फैसला सुनाएंगे कि किसान आंदोलनकारियों को 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर परेड करने की अनुमति मिलेगी या नहीं। तो देखते हैं और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय किसान।